साथियों जय हिंद। मैं उड़ीसा में हूँ, इस समय किसान यात्रा में आप सभी के सामने संघर्ष करते हुए उड़ीसा के किसान साथी उड़ीसा में किसान संगठन का नवनिर्माण किसान संगठन का आज सातवां दिन संघर्ष जारी है। नवीन पटनायक जी के सामने अपनी किसान समस्याओं को लेकर आगे बढ़ते हुए भुवनेश्वर विधानसभा की तरफ हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे सभी साथी संघर्ष कर रहे हैं और अक्षय भाई जो कि उड़ीसा के किसान नेता हैं उनके नेतृत्व में आज नवनिर्माण किसान संगठन बैनर तले ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आज सातवां दिन है और अक्षय भाई जैसे कि अभी हम लोग के साथ में ही है, देख हमारे साथ ही हिमांशु तिवारी भी हमारे साथ में बने हुए हैं, ये दिल्ली से चल के आए हुए हैं। हिमांशु तिवारी जी आज सातवें दिन भी उड़ीसा में नवनिर्माण किसान संगठन में के साथ लड़ाई संघर्ष जारी किए हुए नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ किसानों को मांगों को लेकर। हम हिमांशु तिवारी जी से चाहेंगे कि कुछ अपनी बात हमारे साथ शेयर करें। जैसा कि अनुराग भाई ने बताया, उड़ीसा में ये बहुत बड़ा किसानों का आंदोलन हो रहा है जिसकी तीन मांगे हैं, प्राइस, प्रेस्टीज और पेंशन। पेंशन यानी सोशल सिक्योरिटी अलाउंस। तो ये जो आंदोलन है खासकर पेंशन को लेके है, सोशल सिक्योरिटी अलाउंस के लेके है कि किसानों में भरोसा जगे कि सरकार उनके साथ है। कम से कम 36 लाख किसानों के लिए 21,600 करोड़ रुपए की मांग है कि जिसे प्रति माह 5,000 रुपए उनको सोशल सिक्योरिटी अलाउंस मिल सके। और ये जीवन और जीविका का अधिकार है उनके, जो आर्टिकल 21 में भी संविधान में प्रदत्त है। तो यह आंदोलन आज 8वां दिन है इसका, 7वां दिन यात्रा का। 100 किलोमीटर दूर से यह पदयात्रा आ रही है अक्षय भाई के नेतृत्व में नवनिर्माण किसान संगठन, जिससे लाखों लोग उड़ीसा में जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है यह एक ऐतिहासिक यात्रा हो रही है जो पूरे देश के किसान आंदोलन, किसान भाइयों और उनके जो उनका जीविका है उसको, वो आधार को मजबूत करेगा। एक ऐतिहासिक लड़ाई जो स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है, जिसमें अहिंसक तरीके से लाखों लोग सड़क पर आ गए थे और अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। तो मुझे लगता है कुछ वैसा ही आज देखने को हमें मिल रहा है। और मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि उस किसान अन्नदाता के साथ अपनी सहानुभूति दर्शाएं, क्योंकि उसकी रोटी ही चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक खाता है। तो कम से कम उसका सम्मान हो, उसका स्वाभिमान हो और उसको उचित दाम मिले और वो आत्महत्या ना करे, आगे बढ़े, अपने गाँव में रहे, उसके बच्चे पढ़ सके, अच्छा स्वास्थ्य मिले। ऐसी ही तमाम बातों को लेकर इस देश ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी।
और वो अभी तक भी नहीं पूरा हो पाया है। तो हम सब आप सबका कर्तव्य है कि मिलकर कैसे उस दिशा में आगे बढ़ सकें, सरकारें भी अपना काम करें, समाज भी अपना काम करें, जनता भी अपना काम करे, ये सब मिलकर ही लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे और ऐसी प्रक्रिया में यह यात्रा चल रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, हमारे साथ हिमांशु तिवारी जी थे अभी लाइव और देख रहे हैं कि किस तरीके से इतना बड़ा किसानों का जत्था हम लोगों के साथ आगे बढ़ा, लेकिन मीडिया के द्वारा पता नहीं क्यों सहयोग अभी तक उस स्तर तक प्राप्त नहीं हुआ जिस तरीके से प्राप्त होना चाहिए। लेकिन फिर भी उड़ीसा की पूरी आम जनता अच्छे भाई के इस संघर्ष में उनके साथ है और दूर दूर से हमारे साथी आए हुए हैं और लगातार हमसे बने हुए हैं। हमारे साथ में झारखंड से गौरव भाई हैं, हमारे साथ में अमित जी हैं चंडीगढ़ से, पंजाब से वो भी हमारे साथ हैं। किसान संगठन किस तरीके से देखिए, आज नवीन पटनायक सरकार बंदोबस्त की हुई है, आज फिनांस मिनिस्टर के भी आने का संकेत मिल रहा है जिसकी वजह से कुछ हमारे साथ मीडिया मित्र भी जुड़े हैं, उनका भी सहयोग मिल रहा है जिसके उनको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, बाप पटेल जो पुरुष भाई बहन अच्छा।